पंचायत सचिव और सहायक सचिव संगठन ने मंगलवार को चार सूत्री मांगे मनवाने हेतु प्रभावी प्रदर्शन किया। नवग्रह मंदिर परिसर में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चार दिन में मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। संगठन के राजेंद्र मकवाना ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे विभागीय काम प्रभावित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि सीएम हेल्पलाइन बंद की जाए, क्योंकि 80% शिकायतें झूठी होकर ब्लैकमेल करने के लिए की जाती है। इसे बंद किया जाए, जैसी मांगे शामिल है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चा खरगोन की ओर से पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव और हमारे सभी संगठनों की ओर से हमारे चार सूत्री मांगों के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। जिला स्तर की हमारी चारों समस्या है। सबसे पहले प्रमुख हमारे आयुष्मान कार्ड पे बनाने संबंधित जिले से एक सप्ताह में 100 कार्ड बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये कार्य हमारे विभाग का न होकर भी फिर भी हमारे से कराया जा रहा है। अभी तक हम करते हैं, लेकिन शासन का इतना दबाव आने लग गया कि आप यदि कार्ड में प्रोग्रेस कम आती है आयुष्मान कार्ड बनाने में, तो हमारा सचिव जीआरएस उनका वेतन रोकते हैं और काटने लग गए। ये कार्य जबकि स्वास्थ्य विभाग का है और अभी फिलहाल में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग को ही राज्य शासन द्वारा अवार्ड प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य विभाग को ही, जबकि कार्य हमारे से कराया जा रहा है, अवार्ड स्वास्थ्य विभाग ले रहा है, यह भी न्यायचित नहीं है। दोहरी राजनीति शासन द्वारा अपनाई जा रही है। ये आयुष्मान कार्ड बनाना हमारे से बंद कराया जाए सचिव और जीआरएस संघ से। दूसरी मांग है हमारी सीएम झूठी सीएम हेल्पलाइन के संबंध है। सीएम हेल्पलाइन पूर्व में जिले से फर्स्ट क्लोज की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में नए कलेक्टर महोदय आए, इनके द्वारा सारे विभाग के प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया गया कोई भी फर्स्ट क्लोज नहीं करे। 85% तक सीएम हेल्पलाइन नंबर बंद करने की स्थिति में सचिव और जीआरएस पे अनुचित दबाव बनाया जाता है और झूठी शिकायतों को बंद करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। अभी भगवानपुरा में एक प्रियदर्शनी नाम की एक फर्जी पत्रकार होकर जो भगवानपुरा में हमारे सचिव जीआरएस से अनुचित राशि की मांग कर रही थी, उनके खिलाफ हमारे सचिव जीआरएस ने एफआईआर करी और वो अरेस्ट भी है, किंतु इतने अरेस्ट होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि उस शिकायत को संतुष्टिपूर्वक बंद किया जाए। तो हम शासन से पूछना चाहते हैं कि इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि जो फर्जी पत्रकार आज भी जेल में है, थाने में अरेस्ट की गई, इसके बाद उसको संतुष्टिपूर्वक बंद किया जाए। इसी प्रकार से तीसरी जो मांग है हमारी प्रधानमंत्री आवास की है। प्रधानमंत्री आवास चूंकि हितग्राही के खाते में सीधे पैसा जा रहा है और उसको आवास को पूर्ण करने हेतु सचिव और जीआरएस पर दबाव बनाया जा रहा है, ये भी न्यायोचित नहीं है। और वर्तमान समस्या का निराकरण नहीं होता है, आगामी क्या कार्यवाही? आगामी हमने चार दिन का समय दे रखा है जिला प्रशासन को, चार दिन में हमारी चारों पांचों समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हमको संयुक्त रूप से हम सभी संगठन के लोग जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, फिर उसके शासन प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। राजेंद्र मकवाना, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत संगठन, जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।